चंदोली से हैं, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से कई बैंक के 97 एटीएम कार्ड एवं 853 सिम कार्ड, 22 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 47,000 की नकदी समेत 3 तमंचा और कार बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपी यूपी के अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल मुगलसराय कोतवाली टीम को सूचना मिली थी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य वाराणसी के मुगलसराय की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दल्लीपुर के समीप एक मारुति कार आदि दिखाई पड़ी, जिस पर पुलिस ने रोक कर संदेह के आधार पर पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान संतुष्ट जवाब न मिलता देख पुलिस कर्मियों ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच और मुगलसराय थाने की पुलिस ने जनपद में 3 ऑनलाइन ठग हैं जिनको पकड़ा है, जो लगातार मूवमेंट पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मूवमेंट कर रहे थे और लोगों से ठगी करके विभिन्न एटीएमों से पैसे निकाल रहे थे। इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडा ये था कि ये लोगों को फ़ोन करते थे, फ़ोन करके उनसे बरगला के उनसे ओटीपी ले लेते थे, ओटीपी के माध्यम से वो ढेर सारे बैंक से अकाउंट्स में शिफ्ट करते थे और पेटीएम वॉलेट्स का प्रयोग कर रहे थे। कुल हमें इनके पास 853 विभिन्न कंपनियों के सिम मिले हैं, जिसके रेफरेंस में इनके पास अलग अलग पेटीएम वॉलेट्स हैं। करीब 100 की संख्या में इनके पास डेबिट कार्ड्स हैं, जो कि रुपए कार्ड्स हैं और साथ में पेटीएम कार्ड्स हैं और अन्य बैंकों के भी डेबिट कार्ड्स हैं।